आज की शो में आप लोगों के साथ जो ट्रैक शेयर करने वाला हूँ ये ट्रैक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बता दिया। ठीक है, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, फिट फाट हो। आज की शो में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो फिर आप लोग अपना डिसेबल फेसबुक अकाउंट कैसे रिकवर करना है। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू और जेन्युइन ट्रैक रिव्यू करके सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर देना। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये रिक्वेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपका कोई खर्चा कोई पैसा नहीं लगेगा और हमारा कैपी हौसला अफजाई हो जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर टेक्निकल मुहलिस चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वाला बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलेगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना, और फिर इसमें आप लोग अपना अकाउंट भी लॉगिन करो। मैंने पहले से अकाउंट लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा यूर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, और नीचे यहाँ पर गो टू हेल्प सेंटर वाला ऑप्शन आया हुआ है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन शो हो जाएगा, जैसे कि गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन हो, तो फिर भी आप लोग ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह डिसेबल अकाउंट कैसे रिकवर हो जाएगा आगे शोड में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हो। तो इसके अलावा यहाँ से मैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर आते हो, और फिर मैं अपना मोबाइल में नोटपैड ओपन करता हो, और नोटपैड में मैंने एक लिंक और उसके नीचे कॉपी लगा दिया, आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से ये लिंक में ओपन करता हो, और ये लिंक आप लोग उसी ब्राउजर में ओपन करो जिस ब्राउजर में आपका डिसेबल अकाउंट लॉगिन हो। ठीक है, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने लिंक ओपन कर दिया, और ये लिंक यूर फीडबैक अबाउट होम पेज के नाम से है। तो इसमें नीचे पर्स नंबर पर ऑप्शन आते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना माई फेसबुक अकाउंट हैज बीन डिसेबल। तो चलो जल्दी मैं एंटर करता हूँ, और ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने एंटर कर दिया, और उसके बाद नीचे कवर ऑप्शन आते हैं चूज वन, और उसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेंटर पेस आते हैं, और यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन आते हैं। अगर आप लोग अपना पील डेस्कटॉप या लैपटॉप से सेंड करना चाहते हैं तो पर्स नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। ठीक है, और उसके नीचे सेकंड नंबर पर आईफोन है, अगर आप लोग आईफोन से सेंड करना चाहते हैं तो आईफोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, और उसके नीचे यहाँ पर एंड्रॉइड फोन वाला ऑप्शन भी आते हैं, अगर आप लोग यहाँ से अपील सेंड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से मैंने एंड्रॉइड फोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद नीचे का और ऑप्शन आते हैं यूर फीडबैक, तो यहाँ पर आप लोग वही अपील एंटर करो जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलो दोबारा मैं अपना मोबाइल में नोटपैड ओपन करता हूँ, और फिर यहाँ से अपील में कॉपी करता हूँ। हाँ जी, यहाँ से मैंने अपील कॉपी कर दिया, और उसके बाद दोबारा वही पेज ओपन करता हो, और फिर यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना। जी, यहाँ पर मैंने अपील भी पेस्ट कर दिया। अपील पेस्ट करने के बाद उसके आखिर में आप लोग अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर करो, जैसे कि अकाउंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट का लिंक। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर करता हूँ, तब के लिए वीडियो रोक लेता हो। हाँ जी, यहाँ पर मैंने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि डिसेबल अकाउंट का लिंक कैसे कॉपी हो जाएगा, तो इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को ये भी बताता हो। तो चलो अब यहाँ से अपील आप लोग सेंड कर देना, तो नीचे सेंड वाला बटन शो होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो अपील था हेल्प सेंटर पर सेंड हो जाएगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो अपील था हेल्प सेंटर पर सेंड हो चुका है। अपील सेंड करने के बाद फिर आप लोग वेट कीजिए जब तक फेसबुक टीम की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कि डिसेबल अकाउंट का लिंक कैसे कॉपी हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग दोबारा डिसेबल वाला पेज ओपन कर देना, और फिर यहाँ से ऊपर जो सर्च बार आते थे इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कॉपी का आइकन शो होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, तो यहाँ से डिसेबल अकाउंट का जो लिंक था वो कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह का आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।